तीन जगह पर आटे की रंगोली काम करती है, जिसका फल हजार गुना होता है। तीन जगह पर आटे की रंगोली काम करती है, हमने पहले भी कहा। पहला, पितरों की पूजन हो रही हो, पितरों का पाटा भरा रहा हो, पितरों के लिए जोत लग रही हो, पितरों के लिए या अन्य स्थान पर कहीं पूजन हो, तो वहाँ पर आटे की रंगोली काम आती है। वहाँ पर रंग बिरंगी या पत्थर की रंगोली नहीं, मिट्टी की रंगोली नहीं, आटे की रंगोली काम आती है। दूसरे नंबर पर, तुम्हारे घर में यज्ञ हो रहा हो, घर के बाहर यज्ञ हो रहा हो, यज्ञ चल रहा हो, उस यज्ञ में तीन परिधियां बनती हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की। देखिए आप लोगों ने, यज्ञ कुंड जो बनाया जाता है, उस यज्ञ कुंड पर पत्थर की रंगोली नहीं, मिट्टी की रंगोली नहीं, आटे की रंगोली डलना चाहिए। ये पहले डलती थी, अब लोगों ने फैशन में दूसरी डालना प्रारंभ कर दी। आटे की रंगोली डली होती है जब हम साकल्य छोड़ते हैं, अग्नि को जब हम साकल्य देते हैं, तो जिस आटे की रंगोली उस पर बनी होती है, तो हमारी जो साकल्य छोड़ी जाती है, उसमें से एक अंश भाग हमारे पितरों के खाते में चला जाता है, जिससे पितरों की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तीसरा, आटे की रंगोली तीसरी, घर में शादी हो रही हो, मंडप बंधा हो, उस मंडप के नीचे जब पूजन हो रही हो, उस समय पर पत्थर की या मिट्टी की रंगोली नहीं। अगर पंडित पूजन करा रहे हैं या मंडप की पूजन हो रही है, जिसके नीचे लड़का लड़की की भांवर होगी, दूल्हा बैठेगा, दुल्हन बैठेगी, वहां मिट्टी की रंगोली या पत्थर की रंगोली नहीं, उस जगह पर आटे की हल्दी की रंगोली डाली जाती है। अब आपके यहाँ डालते कि नहीं डालते पता नहीं, पर हमारे यहाँ शास्त्र रीति कहती है ये तीन जगह की जो रंगोलियाँ हैं, ये हमको आटे की रंगोली डलने से, क्यों शादी के मंडप में पत्थर की रंगोली या मिट्टी की रंगोली क्यों नहीं डाली जाती? शादी के मंडप में यहाँ दूल्हा दुल्हन की शादी होती है, वहाँ पंडित जी भी आटे की रंगोली डाल देते हैं, घर की बहन बेटियाँ आटे की रंगोली डाल देती है, उसका कारण क्या होता है? जिसकी शादी में मंडप के नीचे आटे की रंगोली डलती है, वहाँ पितरों को निमंत्रण नहीं देने की जरूरत पड़ती, वहाँ पितर उस वर कन्या को आशीर्वाद देते हैं, जिससे उनका वंश बढ़ता है, वंश रुकता नहीं। और ये निश्चित है, जिसकी शादी में, जिसके विवाह में आटे की रंगोली डलकर भांवर हुई होगी, उसके घर में संतान सुख रुक नहीं सकता, उसके यहाँ संतान का सुख होता ही है। जिसके यहाँ आजकल ये पत्थर रंगोली डाल देते हैं, डाल दिया और कह दिया बस, क्योंकि आजकल फैशन में तो दुनिया जी रही, तो आटे की रंगोली कौन डाले, तो वो फैशन में चल गया, तो संतान की प्राप्ति में भी थोड़ा सा। अब तुम देखो पहले का समय आज का समय कितना अंतर है महाराज। पहले के समय में संतान का सुख शादी के एक दो साल में प्राप्त हो जाता था, आज के समय में संतान का सुख जब तक डॉक्टर के यहाँ दोनों जांच नहीं करा कर जाए, दिखा कर नहीं आ जाए, सब लोग कह रहे हैं डॉक्टर साहब जरा देखो संतान, डॉक्टर साहब बोले जांच करना पड़ेगी, बहू की भी जांच हुई, बेटे की भी जांच हुई, सब अच्छा है, उसके बाद भी संतान का सुख नहीं, उसके बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं। शिव तत्व को जानिए, शिव महापुराण की कथा कहती है तीन जगह आटे की रंगोली की मूलता है। बोलेंगे आप लोग, पहला स्थान दरवाजे की चौखट, दूसरा स्थान बोलते जाओ जल्दी यज्ञ कुंड, तीसरा स्थान शादी का मंडप, जहां पर भले चुटकी भर आटे की रंगोली बने।